Hello everyone, welcome back to my channel Live With Us. How are you all? Hope you all are well and enjoying my videos. Today I am going to prepare rasgulla. For that we will be needing following ingredients: full fat cream milk, lemon juice, vinegar, sugar, water, cardamom. मिल्क को पैन में बॉईल होने रख देंगे. जब तक बॉईल आता है तब तक हम मिल्क को पकाएंगे. बॉईल आते ही मिल्क में 2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे. यू कैन ऐड लेमन जूस आल्सो. चीज़ पूरा अलग हो चुका है, पानी पूरा अलग हो गया है. देखिए छेना को पानी छोड़ दिया है. अब इसको हम स्टेन करने के लिए कपड़े में बांध कर इसको हैंग करेंगे और 4 to 5 hours. तब तक जब तक इसका पूरा पानी स्टेन ना हो जाए. के बाद ये हमारा पूरा पानी स्टेन हो गया है. पूरा छेना को अच्छे से डो बनाने के लिए हम इसको अलग अलग कर कर अच्छे से डो बनाएंगे. फॉर मेकिंग डो वी विल नीड इट टिल इट बिकम स्मूथ, क्योंकि हमें रसगुल्ले बनाने के लिए स्मूथ डो चाहिए. ये देखिए स्मूथ डो तैयार है. इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे. ये हमारे बॉल्स चीज़ बॉल्स बन के रेडी हैं. सिरप बनाने के लिए 3 कप ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ शुगर लेंगे. टू टू थ्री पॉट ऑफ कार्डमम हम इसमें ऐड करेंगे. शुगर में बॉईल होने पर हम इसमें चीज़ बॉल छेना बॉल इसमें ऐड करेंगे. छेना बॉल को जब तक पकाना है तब तक उसका साइज़ डबल ना हो जाए तब तक हम छेना बॉल को करेंगे. ये हमारे छेना रसगुल्ला बन के तैयार है. इनको फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. नमस्कार.